चीन के हुजोउ शहर में एक ऐसा होटल है जो बाकियों से सबसे अलग है। इस होटल का नाम शेरेटन हुजोउ हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट है। ये देखने में सबसे अजीब और खूबसूरत लगता है, इस वजह से इसे डोनट होटल भी कहा जाता है। ये होटल 27 मंजिला है और इसमें 321 कमरे, 4 रेस्टोरेंट और 1 कैफे के साथ पार्किंग फैसिलिटी भी है। क्या आपको पता है एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके ऊपर चारों तरफ पेड़ों को लगाया गया है? जी हाँ, अगोरा टावर। ये बिल्डिंग 21 मंजिला है और ये ताइवान के सिनी शहर में स्थित है। इस बिल्डिंग को एयर पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है, इसलिए इस बिल्डिंग के चारों तरफ ऊपर से नीचे तक पेड़ों को लगाया गया है। इसे देखने पर ये बहुत ही सुंदर नजर आता है। क्या आपको पता है एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच से हाईवे गुजरता है? जी हाँ, गेट टावर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 16 मंजिला है और हाईवे इस बिल्डिंग की 5वीं, 6वीं और 7वीं बिल्डिंग को कवर करता है। इस बिल्डिंग की खासियत ये है कि इस बिल्डिंग से हाईवे गुजरता है, लेकिन इस बिल्डिंग पर हाईवे का कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि इस बिल्डिंग को इस तरह डिजाइन किया गया है कि हाईवे पर चलने वाले वाहनों का शोर बिल्डिंग के अंदर नहीं आता। ये दुनिया की इकलौती ऐसी बिल्डिंग है जिसके बीच से हाईवे गुजरता है। ये एक जानवर है जिसका नाम प्रॉन्ग हॉर्न एंटीलोप है। इनकी आंखों की पावर इतनी गजब की होती है कि ये खुले आसमान में रात को साफ साफ शनि ग्रह की रिंग को देख सकते हैं। जी हाँ, मतलब इनकी देखने की क्षमता हम इंसानों से 10 गुना ज्यादा होती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक गांव ऐसा भी है जहाँ के ज्यादातर लोग जमीन के अंदर रहते हैं। जी हाँ, इस अनोखे गांव का नाम कुबर पेडी है और ये साउथ ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। इस गांव की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ के ज्यादातर लोग अंडरग्राउंड घरों में रहते हैं और जमीन के नीचे बसे इस गांव को देखने पर ये बहुत ही सुंदर नजर आता है। लेकिन जब इस गांव को ऊपर से देखा जाए तो ये कुछ इस तरह से मिट्टी के ढेर जैसे नजर आते हैं और इन्हीं मिट्टी के ढेर के नीचे लोगों के घर बसे हुए हैं जो बहुत ही आकर्षक लगते हैं।